पहली बार ना मेरी नजर बिल्कुल सही जगह पे पड़ी है, बिल्कुल सही जगह पे। मैं सीढ़ियों से आ रहा था, ये देखो सीढ़ियों से आ रहा था चढ़ते हुए, और नजर देखो किस पे पड़ी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ माई यूट्यूब चैनल। लाइट है नहीं बिल्कुल, ये देखो अभी कैब में है फिलहाल, और ये बैठे दोनों दिख नहीं रहे। तो अभी हम फिलहाल घर से निकले हैं, और ईयर की स्टार्टिंग में आप सब लोगों को पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो मतलब आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स नहीं देखे, पीछे जाओ और मेरे जनवरी के ब्लॉग्स देखो। जनवरी की स्टार्टिंग में हम लोग कहाँ जाते हैं तो मैं आपको बताया, तो हम जा रहे हैं वैष्णो देवी माता जी के दर्शन करने। तो अभी फिलहाल जस्ट घर से निकले हैं और कैब में बैठे हैं, तो चलते हैं आगे और आपको पूरी अपडेट देता हूँ। तो बस थोड़ी सी जगह कवर हुई है और हमारी ट्रेन है अराउंड 10:10 की, और अभी क्या टाइम हो रहा है, 9:20 हो गए, तो हम काफ़ी डिले चल रहे हैं। ये मैडम बहुत लेट कर देती है, और ये आगे मोटू बैठा है, इन सबसे मिलाऊंगा धीरे धीरे करके। पूरी फैमिली जा रही है, अगर आपने पिछले वक्त नहीं देखा ना तो बस जाके देखो। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे मुंबई में आ गए, जैसे मुंबई में ट्रैफिक होता है ना इतना, वैसा दिल्ली में फील हो रहा है। पता नहीं क्यों यार, वैसे तो होता नहीं, बट आज पता नहीं क्यों इतना ट्रैफिक है, समझ नहीं आ रहा। क्या वाले भैया भी कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा इतना ट्रैफिक क्यों है, कुछ ना कुछ होगा दिल्ली में। हाँ बाकी पहुंच जाए बस, पूरी वीडियो देखते रहना यार। 2023 की आई थिंक पहली वीडियो होगी जो मैं डालूंगा, और तो कोई गया नहीं होगा इतनी जल्दी। तो सारे लेटेस्ट अपडेट्स एंड एवरीथिंग के लिए ना पूरी वीडियो देखना एंड तक, तभी आपको सब अपडेट्स पता चल पाएंगे अगर आपको जाना है तो। गाइस फाइनली रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे, और सराय रोहिला रेलवे स्टेशन जहाँ से ट्रेन चलती है, पीछे आप मेरे देख सकते हैं दुरंतो एक्सप्रेस है ट्रेन का नाम, और ये रहा राधु डॉन, ये कब से फोर्स कर रहा था व्लॉग बना, और ये रहा सैंडी हमारा कूली मजाक कर रहा हूँ सारे भाई मेरे। तो चलो यार अब फिलहाल चलते हैं, और ट्रेन है 10:20 की, 10:10 हो रहे हैं, तो ट्रेन में हमने सीट एंड ऑल सब ले लिया है, एंड बाकी आप पूरी वीडियो देखना तभी आपको सारी डिटेल्स मिल पाएंगी, वरना नहीं मिल पाएंगी। फाइनली ट्रेन चल चुकी है, और टाइम पूरे 10:20 हो रहे हैं, और ऑन टाइम ट्रेन है, तो देखते हैं सुबह कितने बजे पहुंचाती है। चढ़ अब चढ़ क्या, अच्छा चढ़ना क्या, अरे नहीं कर रहा कुछ नहीं कर रहा, आराम से रहो। एक गाइस मुझे ना आपसे बात करनी थी, ये मेरा ना छोटा भाई है, इसके ना रिश्ते आ रहे हैं थोड़े, तो अगर किसी लड़की को पसंद है, किसी लड़की को ये पसंद हो तो कमेंट करो ठीक है, और ये उसकी वाइफ ऑलरेडी है तो अगर कोई लड़की इसमें इंटरेस्टेड हो, मतलब इसको पसंद करती हो तो कमेंट कर देना, मैं रिश्ता करा दूंगा, थैंक यू, मैं विचोला बन जाऊंगा। अब फिलहाल सोने की तैयारी कर रहे हैं, डिनर मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही थी। मैं बताया था आलू गोभी पूड़ी पराठे मैक्रोनी थी, मीठे में काफी सारी स्वीट्स थी और काफी यमी था। तो अभी जा रहा हूँ तनीषा गोलेडी, जो की दो कोच में डिवाइडेड है, 6 सीट्स इधर है 6 सीट्स उधर है, तो ये जस्ट यूज़ अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करोगे तो आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो गाइस ये हमारी गैंग में ना नया मेंबर ऐड हुआ है, गाइस वी आर स्लीपिंग नाउ, नींद आ रही है बहुत जल्दी, सो रहे हैं, बहुत टाइम मिलते हैं, बाय बाय गाइस, सब लोग ना यहाँ पे सो रहे हैं, तो हम भी अब बस सोने लगे हैं, तो आपको सुबह मिलता हूँ उठ के, जितने बजे भी सुबह मिलते हैं, और सुबह मिलते हैं, हाँ 6-7 बजे जब भी उठेंगे आपको सुबह मिलता हूँ, और अभी टाइम हो रहा है 12:30 बजे अभी जाते हैं, और हम शायद अम्बाला या कुछ उसके आस पास पहुँच चुके हैं, तो ठीक है सुबह मिलते हैं, बाय 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 गाइस बाय। द नेक्स्ट मॉर्निंग, मॉर्निंग आप सभी को, सुबह के 8 बज रहे हैं और हम जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे हैं, एंड ट्रेन चल रही है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं ट्रेन चल पड़ी है, हमें उतरे हुए अराउंड आधा घंटा हो गया है, एंड हम ब्रश कर रहे थे, हम फ्रेशन अप हो रहे थे रेलवे स्टेशन पे क्योंकि बहुत भूख लग रही है, चाय वाय पियेंगे, तो वो सोचा कि रेलवे स्टेशन में ब्रश कर लेते हैं, एंड अब फिलहाल चल रहे हैं जम्मू तवी से बस लेनी है कटरा के लिए, तो अभी आगे जाके बस लेते हैं, आपको दिखाता हूँ उसका फेयर होता है अराउंड 50-60 रुपये पर पर्सन, तो सब आगे जा चुके हैं, मैं सबसे पीछे रह गया था, तो जल्दी चलते हैं, बकल अप करते हैं, एंड बन रही है पूरी वीडियो में। सो गाइस अभी फिलहाल जम्मू में ही है और बस की वेट कर रहे हैं, ये पीछे जो है ना ये बस अपनी है, एंड इसमें बैठते हैं और फिर जम्मू चलते हैं, इसका किराया कुल 105 रुपीज़ है, सबका अलग अलग किराया है, मतलब फेयर है, तो किसी का 145, किसी का 165, किसी का इस वाली का 105,
सारी गवर्नमेंट की बसेज हैं, बस फर्क है कि कुछ एसी है, कुछ नॉन एसी है, कुछ बड़ी है, कुछ छोटी है, और कोई फर्क नहीं है। गाइस ये कुछ बस है हमारी, एंड अब सारी बसेज ना जैसे J&K रोड ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट के अंडर आ गई है, तो ये बस है, इसके अंदर चलते हैं एंड एक घंटा कुछ लगेगा, एक डेढ़ घंटा। सारी बसेज यहाँ पे ऐसे ही है गवर्नमेंट की, एक डेढ़ घंटा लगेगा एंड कटरा पहुँचा देगी, फिर वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट। तो गाइज जम्मू से चले थे कटरा, आधा रास्ता कवर हो चुका है और बीच में कोई ढाबा है जहाँ पे रिफ्रेशमेंट पॉइंट है, जहाँ पे सारी बसेज रुकती है बेसिकली। हम भी हमेशा रुकते हैं, जब भी आते तो पकौड़े वकौड़े खाते हैं। ओ भाई बहुत ठंडा है सीरियसली यहाँ पे। अभी अगर आप पीछे जो व्यूज़ देखते ना, मतलब इतनी फॉग थी आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा फॉग हो रही थी उधर। एंड अब थोड़ा जब हमने टनल पार करी तो यहाँ पे थोड़ा सा वो है, मतलब धूप है, सूरज निकल गया है। तो अभी फिलहाल 10-15 किलोमीटर रह गया और आधे घंटे का रास्ता है। तूने खाया ना सारे? नहीं, मैं मंडा पी रही हूँ। ये चटनी के बिना अच्छे नहीं लगते, फीके लगते हैं। क्या इसको दिखा रहा था तू? उठाइयो ऐसे शेर पर भागू पागलों से, अरे सुना देगा, फिर देखो सुना देगा वो ऐसे ऐसे आगे फिर एक चाटा खा लेगा। साइंटिस्ट राधे आप शांत रहिए, साइंटिस्ट बन जाऊं मैं। हां गाइज ये चेक पोस्ट आती है यहाँ पे ना, आप सबको उतरना पड़ेगा, चेकिंग होती है नॉर्मल सी और कुछ नहीं, बाकी पीछे बसेस चेक होती है। नींद कर ली पूरी? इसकी एक फोटो दिखाऊंगा मैं इसकी फोटो दिखाऊंगा एक बढ़िया से। और बस कटरा रह गया 1-2 किलोमीटर। तो यार ये एरिया है पूरा कटरा का जो मेन चौक है, वैसे तो उधर है वो चौक पूरा, आपको दिखाता हूँ। और ये वो एरिया जहाँ पे सारी बसेज रुकती है, उधर निहारिका भवन है। और इधर ये आप जो लाइन देख रहे हैं, ये पूरी लाइन आ रही है पीछे से, इधर ये जा रही है यात्रा पर्ची के लिए, ऊपर आपको लिखा हुआ है, बहुत लंबी लाइन है, अभी आपको पीछे जाके दिखाता हूँ। यात्रा पर्ची ले ली थी ये ली, एक बार देख लो। अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, 12 बज गए हैं, तो ब्रेकफास्ट हमेशा यहीं करते हैं लक्ष्मी में, पराठे वराठे खा के फिर सीधा चढ़ते हैं चढ़ाई के लिए और सीधा भवन पे। तो गाइस टाइम हो रहा है 1:30 बज गया और अभी हम फिलहाल निकले हैं। देखो कैसे बैठे दब दबा के, एक ऑटो में 6 लोग। मेरी डुई तो नीचे टच ही नहीं हो रही। तो अभी फिलहाल हम निकले हैं, जो मेन गेट है ना व्हाइट कलर का, जहाँ से एंट्री करते हैं बाणगंगा। हाँ बाणगंगा जो चेक पॉइंट है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे वीडियो में, देखते रहना। अब वहाँ के लिए निकले ऑटो में, वहाँ से गाइड होगा कुछ मत लाना। हाँ ये सब चीज़ें कोई अलाउड नहीं होती, बोलते तो ऐसे ऐसे तू बहुत चीज़ें चढ़ाई स्टार्ट करेंगे, बाकी जहाँ भी हुई आपको अपडेट देता रहूँगा। अभी घोड़े जा रहे हैं, घोड़े तो दिखाओ। घोड़े नहीं दिख रहे, घोड़े। तो गाइज ये है वो मेन गेट जो मैं आपको कह रहा था, बाणगंगा चेक पॉइंट, ये रही। यहाँ पूरी चेकिंग वेकिंग सब होती है, आपके बैग वैग सब, जो पहला चेक पॉइंट आपको मिलता है ना वैष्णो देवी यात्रा की स्टार्टिंग पे, वो ये है। और ये पूरी आगे लाइन जा रही है और ये पूरा ऐसे पाथ बना हुआ, ऊपर जो वाइट वाइट बिल्डिंग्स आपको दिख रही है ना सब, ये पूरा पाथ है। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं वो शायद आद को आ रही है, वो ये वाला पॉइंट आद को आ रही है। तो अगर आप आओगे आप सब चीज़ें पता होंगी, अगर आप आओगे कभी तो। ऐसा कुछ चेक पॉइंट है ये रहा। और ये अब जाने के लिए ना दो रास्ते बन चुके हैं, एक आपका ये नया रास्ता इस तरफ है और ये सीधा जो हम जा रहे हैं ये पुराना वाला रास्ता है। तो हम यही प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टॉल्स एंड ऑल सब आते रहते हैं, दुकानें आती हैं खाने पीने की, एंड काफ़ी हलचल रहती है। वो जो रास्ता है वो काफ़ी अलग है और मतलब इतना सुनसान रहता है, ज़्यादा भरा हुआ नहीं है। ये नीचे से जा रहे हैं, जो रास्ता आप देख रहे हैं ये पूरा नया रास्ता है। हमेशा ही पैदल जाते हैं चलते हुए। अगर आप पिट्ठू या पोनी ये जो लिखा हुआ है ना, अगर आप जैसे किसी को सामान देते हो अपना, उन्हें पिट्ठू कहते हैं या फिर पोनी या पालकी, जैसे ये पोनी है जैसे लोग जा रहे हैं इन पे,
तो इन सब की पर्ची कटती है यहाँ पे। ये रेट लिखा हुआ है 50 और 40 रुपए। तो यार नहीं कटवा रहा इधर। हेलो गाइस, ये मेरा बिग फैन है। हम भी हैं सर, मेरे बहुत सारे फेक फैंस मिल गए हैं यहाँ पे। तो ये जैसे घोड़े वोड़े होते हैं यहाँ पे, मैं आपको बता रहा था। हाँ, खच्चर जो भी, पोनी जो, बहुत चीज़ें के बहुत अलग अलग उससे बोलते हैं लोग। तो आप एक तो एक घोड़े करके जा सकते हो, एक पालकी होती है। चढ़ाई करते वक्त ना ये नींबू लेमन सोडा सब पीते रहा करो, सही है राधे? हाँ बड़ी सही है। ये हमारा फूड रिव्यू टेस्टर है, खट्टी सी है बड़ी सही है भैया। गाइस फिलहाल ना बहुत गर्मी हो रही थी, आप जब भी ऐसे क्लाइंब करते हो ना कुछ भी तो बहुत गर्मी लगती है। तो मैं अपने हाफ स्लीव अवतार में आ चुका हूँ और पीछे का व्यू चेक करो। काफ़ी मस्त है। और ये ना मेरे पीछे जैसे वॉशरूम है, तो यहाँ पे ना हर 200 300 500 मीटर पे आपको वॉशरूम मिलते रहेंगे और पानी भरने का भी ऐसा कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं मिलेगी आपको कि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो। वॉशरूम्स भी है, जेंट्स लेडीज सब अलग है, एंड वॉशरूम्स भी क्लीन होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, ऐसे नहीं कह सकते बिल्कुल क्लीन। एंड पानी भरने की काफ़ी सही जगह होती है, तो सब बढ़िया है। तो चलो चलते हैं, जस्ट चरण पादुका जो मंदिर है वो क्रॉस किया है, तो चलो आगे चलते हैं। पहली बार ना मेरी नज़र बिल्कुल सही जगह पर पड़ी है, बिल्कुल सही जगह पे। मैं सीढ़ियों से आ रहा था, ये देखो सीढ़ियों से आ रहा था चढ़ते हुए, और नज़र देखो किस पे पड़ती है। लाला जी बैठे हैं, मसाज करा रहे हैं। सही है बेटे, सही है। कब आए थे तू? 15 मिनट से मसाज करा रहे हैं यहाँ पे। 15 मिनट के लिए अभी बैठा हूँ। सही है सही है, देख रहे हो कितने साल, अभी 10-12 साल की उम्र नहीं हो, मसाजे करा रहे हैं ये। सही है भाई, सही है, मजे करो। गाइस टाइम हो गया कुछ 4 बज रहे हैं दोपहर के, और काफ़ी तेज़ धूप पड़ रही है आप देख सकते हैं। तभी हाफ स्लीव में आ गया हो, और जैकेट वैकेट सब उतार दी, गर्मी लगी थी। एंड आज करीब बस रह गया 1.5-2 किलोमीटर रह गया, तो वहाँ से बुआ और सब ऑटो वाटो करेंगे, जितनी भी लेडीज़ हैं सब ऑटो करेंगे, और हम सब पैदल ही जाएंगे आगे। 5-6 किलोमीटर भवन है, तो हम जल्दी चल रहे हैं, उनको ऑटो लेना है, बैटरी ऑटो जो भी होता है 5-7.5 बजे, तो वो सब तो होता रहेगा। आप एक बार व्यू चेकआउट करो। ये कौन सा व्यू दिखा रही है तू? ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको व्यू, ये देखो ये होता है व्यू, ये देखो ना। और तू क्या व्यू दिखा रही थी? पागल, ऊपर से आया नहीं। ये व्यू दिखा रही है देखो, पागल। तो चलो यार चलते, सब लोग आगे चले गए, हम काफी पीछे रह गए, चले या। चलो, और हम फिलहाल यहाँ खा रहे हैं पाइनएप्पल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट के स्टॉल्स खुल चुके हैं, नेस्कैफे जितने भी थे सारे बंद हो चुके हैं। आप भी आओ, मस्त मस्त फ्रूट खाओ, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, जिनमें भी जैसे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, जिनमें पानी भरपूर होता है, आपकी बॉडी को भी वाटर इंटेक मिलेगा, तो बेस्ट रहेगा। मोस्टली डिस्टेंस कवर कर लिया था, बस आज को ही आने वाला है। और ये देख लो आप एक बार, ये आपको जहाँ पे ही मिले ना यहाँ पे बस पी लेना, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, सीरियसली बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ जाएगा। तो भाई जो आपका बैटरी पॉइंट था जहाँ पे बैटरी ऑटो लेने थे, वहाँ से तो हम निकल चुके हैं आगे। मेरे को ध्यान नहीं रहा वीडियो रिकॉर्ड करूँ, इतनी जल्दी में था, क्योंकि एक्चुअली आगे एक पॉइंट आता है डोसा पॉइंट, जहाँ पे हमने सोचा था हम रुक जाएंगे, क्योंकि डोसा पॉइंट डोसा ख़त्म हो जाता है, तो हमें डोसा ही खाना है। हर बार खाते हैं, अगर आप पिछले साल की वीडियो भी जाके देखोगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा डोसा पॉइंट। तो बस उसी के लिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, ताकि डोसा खाएंगे, और भूख भी काफ़ी तेज लग रही है। रास्ते में ज़्यादा कुछ खाया नहीं, सुबह बस पराठे खाए थे, और अब यहाँ डोसा खाऊंगा। तो बैटरी पॉइंट पे बुआ और सब, मतलब टोटल 7 टिकट है, 7 में 7 जो लेडीज है सारी, बुआ एंड ऑल सब कदम, वो सारे जाएंगे बैटरी में, और हम जितने भी 4-5 लोग हैं हम सारे जाएंगे पैदल। तो चलो अभी चलते हैं, वैसे टाइम अभी 4:45 हो रहा है, 5 बजने वाले हैं। फेमस हिमकोटी का डोसा आ गया, कैसा है? सही है, सबके डोसे आ गए, धीरे धीरे सब खा रहे हैं, और साथ में सनसेट एंजॉय कर रहे हैं। क्या सनसेट हो रहा है, मजेदार यार बिल्कुल। जो आपके सामने ये है आपका डोसा पॉइंट हिमकोटी का, जहाँ पे हमने डोसा खाया, सही था डोसा? ये सबसे पहले भाग के आया था डोसा खाने, सबसे लेट आएगा सामने डोसा, और उसके सामने ये व्यू चेक करो यार भाई, दिल आ गया। कार्तिक भाई संभव को देखा, सबसे पहले संभव भी तो आया था, हाँ। संभव ने तो छेड़ों से खाए, पर्ची भी है। चलो 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 चलो, चलो सब चलो चलो, ठंड हो गया भाई, ठंड हो गया।
रखा है। फिलहाल बहुत ठंड हो रही है इधर, बिल्कुल ही पहुंच चुके हम। ये आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये भवन की पहली झलक है। मैं अभी आपको क्लियरली दिखाता हूँ। बहुत ठंडा हवा है, बहुत तेज़ चल रही है। और ये रास्ते में ना ऐसे नेस्कैफे के स्टॉल जाते रहेंगे, तो इसमें खाते पीते रहना फुल, मतलब आइस टी, कोल्ड कॉफ़ी और सब, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना। बैठे हुए थे रूम या डोरमेट्री का, वेट कर रहे थे कब मिलेगी, वो भाई साहब जी गायब हो गए, पता नहीं कहाँ गए, अब समझ नहीं आ रहा, घूम गए। अब सब लोग उसको ढूंढ रहे हैं, सब अलग अलग हुए हैं कि हमें उसको ढूंढ लो। उसके यहाँ फ़ोन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अब पता नहीं वॉशरूम गया कहाँ गया, तो सब ढूंढ रहे हैं यार उसको। मैं भी आया हुआ इधर भवन की साइड देखने, तो ढूंढ रहे सब। अभी मिल गया है मोटा, ये ऊपर वॉशरूम चला गया था, बता के भी नहीं गया। आर्यन ने ढूंढ लिया इसको फाइनली। कराएगा मसाज, कराएगा अरे कराऊं तेरी मसाज मोटे, ये तो अनाउंसमेंट कराने लगा था इसकी कि हाँ कहाँ चला गया ये। तो गाइस फाइनली सब लोग रेडी हो गए हैं, ये सब लॉकर वॉकर में सामान रख रहे हैं, क्योंकि दर्शन करने जाना होता है ना, तो कुछ भी सामान नहीं साथ लेके जा सकते आप, लिटरली नथिंग, लाइक बेल्ट आपके लेदर की या कुछ भी चीज़ हो ना आपको अलाउड नहीं है, एंड फ़ोन भी अलाउड नहीं है, वॉलेट कुछ भी, सिर्फ कैश कैरी कर सकते हैं। बाय बाय। तो सब लोग चल रहे हैं, तो बस मैं आपको यही बता रहा था कि सामान कुछ ले जाना अलाउड नहीं होता, सिर्फ आप कैश कैरी कर सकते जो आपको वहाँ चढ़ाना है या फिर कुछ वैसे। तो इसको देखना पीछे कैसे कांप रहा है। तो ये आउटफिट है मेरी, मैंने ये पहना आज, और बाकी सब भी नए नए कपड़े पहन के तैयार हो रहे हैं और रेडी हो गए हैं, और बस दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं। हाँ मुझे पता है रात के करीब 11 बज रहे होंगे, 10:30 बज रहे हैं, हमने डिनर भी नहीं करा अभी तक। क्या हो गया भाई, तो ऐसे धमकियां देने आ रहा है? दे रहा हूँ भाई, मैं इनको वही बता रहा था भाई, फोन हाँ दे रहा हूँ भाई, मैं इनको बता रहा था फोन रखना होता है, सब चीजें रखना होती है। कौन रह गया? आ ये रह गया, अबे कहाँ है, आ जा दिखी जी, आ गया आ गया। चलो भाई सब आ गए, सब जा रहे, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी। चलो भाई बाय। भेड़ शॉप है आप देख सकते हैं, एंड ये प्राइस है इसके 100 विद नारियल, 50 विदाउट नारियल। ये जूट और क्लॉथ बैग का फर्क होता है, तो आप देख लीजिए। तो गाइस फाइनली आपको अपडेट दे देता हूँ, टाइम हो रहा है रात के 1:30 बज रहे हैं, और अब हम फ्री हुए डिनर एंड ऑल सब करके, डिनर कर लिया, डेजर्ट कर लिया, सबसे पहली चीज़ दर्शन कर लिया, क्योंकि बहुत ही अच्छे हुए, मतलब सबके इतने अच्छे दर्शन हुए ना, क्योंकि खाली था इस टाइम, हम 11:30 के अराउंड गए एंड काफ़ी खाली था वहाँ पे, तो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमारे। एंड फिर डिनर करा वहाँ पे, गुलाब रेस्टोरेंट है कोई भवन पे, तो आप आओगे आपको मिल जाएगा वहाँ। फ़ोन अलाउड नहीं था तो मैं लेके नहीं गया, रख के गए थे। तो मैं आपको ये कह रहा था कि अगर आपको वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो या कुछ भी चीज़ फनी है, इन्फॉर्मेटिव, कुछ भी आपको सही लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। बाकी कोई है नहीं मेरे साथ जो कि आउट्रो कर सके या फिर वीडियो को एंड कर सके, सब लोग जाके सो चुके हैं। हम 5, मैं, राधे, आर्यन, अन्नी और संभव, हम 5 लोग यहाँ पे रुके हैं, और बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे दूसरी जगह रुके, क्योंकि यहाँ भी बहुत ही भीड़ है, मतलब सीरियसली इतना क्राउड आया हुआ है, इतनी भीड़ आई हुई है ना, मैं क्या बताऊँ। तो सब अलग अलग जगह डिवाइडेड हो रहे हैं, खाना भी हमने ऐसी गाया डिवाइड हो गया, रेस्टोरेंट भी इतनी भीड़ थी, आपको क्या बताऊँ। तो चलो वो सब अलग बातें हैं, और कल के लिए बना रहेगा जो जो चीज़ें करेंगे। एक तो भैरव के मंदिर जाएंगे रोपवे से, तो वो वीडियो देखें तो अगली वीडियो देख लेना, एंड टिल देन बाय, मिलते फिर अगली वीडियो में। बाय बाय, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बाय।